सर सर गैर मशहूर माफी से जान छूट जाती है जी साहब, आप प्रोसिक्यूटर होंगे या कोर्ट खुद भी कोई प्रोसिक्यूटर कर सकती है? साहब खामोशी कितनी मास्क का पेश खैमा तो नहीं सर वेलकम सर, आपने इंकशाफ किया कि खान साहब माफी मांगने जा रहे हैं, मैंने ये हकीकत है कोई? सर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो उनके वकला उनको लीगल एडवाइस देंगे उसी बुनियाद पे। तो आपके ख्याल में बतौर एक सियासतदान क्या सियासतदान को अपने अल्फाज पे माफी मांगनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी नहीं है जिसको ये कोई शक हो के इमरान खान धमकी दे रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा हम कानूनी एक्शन लेंगे, वो ले भी लिया उन्होंने एक्शन। बाकी इमरान खान क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये नहीं करते, मुझे ये पता है कि आज कोर्ट में जाने से पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है, और कोर्ट में जो कुछ भी कहेंगे उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर फिर भी इमरान खान ही हो, चाहे वो बेशक यू टर्न ले लें। कोई यू टर्न उन्होंने उनको लेने की जरूरत कोई नहीं है। अदालत से माफी मांगना यू टर्न तो नहीं कंसीडर होगा? जिस वक्त रूस के अंदर इन्वेजन किया था, ये नेपोलियन ने यू टर्न ले लिया होता तो शायद फ्रांस और जर्मनी की फोर्सेज जो तबाही में ना होती तो वो बड़ा लीडर बन जाता। हाँ नहीं, वो लीडर अच्छा वो होता है जो अपने उसूल के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन उस उसूल के लिए जो उसको फैसले करने पड़ते हैं उसमें ये जिद नहीं होनी चाहिए कि मैंने जो कह दिया एक दफा तो वही आखिरी हाल। ये इक्तदार का हसूल है, असूल है? ये इसका इक्तदार से ताल्लुक कोई नहीं, ये जिंदगी का असूल है कि आपका जो असूल है उसके ऊपर आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर कोई फैसला करते हैं और अगला आपको बेहतर मत दे दे उसको, तो अपना जहन बदल लेना चाहिए। तो ये माफी यू टर्न नहीं होगी अगर माफी? ये तो अभी पता नहीं मफरूजा है अंदर क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते। माफी गैर मशहूर अदालत से जो है वो यू टर्न कहला सकती है या नहीं? देखिए मखदूम अली खान का पिछली दफा जो हुकूमत के अपॉइंट किए हुए एमिकस थे, आप उनके वो देख लें, वो कह रहे हैं कानून के मुताबिक जो है वो ऑलरेडी वो माजरत कर चुके हैं। अब अल्फाज पसंद आए नहीं पसंद आए वो तो जजेस की स्वाती। तो गैर मशरूत माफी के अल्फाज जो हैं वो सिर्फ अल्फाज ही होंगे, वो असल में माफी नहीं होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, वो उन्होंने कर दिया, तो माफी मांगने की तो कोई बात है नहीं। लेकिन अगर कोई क्या बोलना चाहिए इबाम है उस बात के अंदर, तो उस इबाम को दूर करने के लिए जो वकला कहेंगे, जो वकला कहेंगे मैं नहीं, वो खान साहब उस पर कभी कभी दोबारा किसी जलसे में खातून जज का नाम लेंगे आपके लीडर या आप? खातून जज का नाम लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, खातून जज का सिर्फ नाम लेना जो, और कानूनी कार्रवाई करना एक आईनी हक है, वो कानूनी कार्रवाई जो है वो तो अपना आईनी हक तो इंसान रखता है। बात तो यहाँ पर रुकी हुई है ना, कानूनी का अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ उस तकरीर में। अच्छा नहीं, तकरीर में तो किया उससे पिछले वाले जुमले के अंदर उन्होंने शर्म करो की बात की थी। सर वो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जजों को माफी मांगनी चाहिए इमरान खान से। फवाद चौधरी मेरे से बहुत बड़ा सियासी फलसफी है, उसके बयान की तशरी उसी को मैं करने दूंगा। खान साहब माफी मांगने जा रहे हैं, खान साहब माफी मांगने जा रहे हैं, खान साहब आप माफी मांग के ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे हमने सुना। खान साहब आप ट्रीट में गलती कहेंगे या एक मर्सी खान साहब खान साहब माफी मांगते हुए आपको आप शर्मा क्यों रहे हैं सर? खान साहब ये अदालतों से आपकी जान कब छूटेगी? ये छूटे नहीं लगे अभी तो आराम से खान साहब आप माफी मांग के ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे सुना। तुम्हें इन चीजों का ज्यादा इल्म है। सर वही सवाल, प्लीज नॉट गिल्टी या इट द मर्सी ऑफ गॉड? खान साहब आपको देर से नहीं नहीं तुम बहुत एक्सपर्ट हो इधर। अच्छा, मैं भी बस एक्सपर्ट हो जाऊंगा जितने मेरे ऊपर केसेस हैं। सर ये आप गैर मशहूर माफी मांगेंगे या मशहूर होंगी? क्या चीज सर ये गैर मशहूर खान साहब आप गैर मशहूर माफी मांगेंगे या मशहूर? आपने कहा था बड़ा लीडर यू टर्न लेता है, तो आज आप बड़े लीडर साबित करेंगे अपने आप को? खान साहब माफी मांग के यू टर्न लेंगे या ये यू टर्न नहीं होगा?
खान साहब आप खातून जज के पास जाके माफी मांगेंगे या गैर मशहूर माफी यहाँ पे जमा कराएंगे? खान साहब आपका एग्रेशन का बयानिया बरकरार रहेगा या खत्म हो जाएगा? खान साहब आप खातून जज के पास कब जाएंगे? एक मिनट, चलो एक सुन लो मेरी बात। देखो मेरी बात सुनो, जो मैं इस वक्त हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ, सुनने पर से, जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफिया के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़ रही वो पाकिस्तान की अदलिया। आप अपने अल्फाज पे वाकई शर्मिंदा चलते रहना खान साहब, क्या ये यू टर्न नहीं है? माशा देख जाना खान साहब, क्या ये यू टर्न नहीं है? खान साहब ये बताइए कि जारहाना बयानिया जारी रहेगा या किसी मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा? 100 रुपए को लगातार दे। खान साहब फिर आपकी वो जिस दिन लॉन्ग मार्च से है वो दानिशमंदी होगा मुल्क के लिए, इस बार आप पूरी होगी? चलिए रुके नहीं, आप तो दौर में है सिंध का जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का और मुल्क प्राइम मिनिस्टर मुंह से बात जाना चाहिए उसको। खान साहब आपका लॉन्ग मार्च आपके दौर में उनसे बात जाना चाहिए। खान साहब आपका लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान साहब आप खातून जज के पास जाके माफी मांगेंगे या गैर मशहूर माफी यहाँ पे जमा कराएंगे? खान साहब आपका एग्रेशन का बयानिया बरकरार रहेगा या खत्म हो जाएगा? खान साहब आप खातून जज के पास कब जाएंगे? एक मिनट, चलो एक सुन लो मेरी बात। देखो मेरी बात सुनो, जो मैं इस वक्त हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ, सुनने पर से, जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़ रही वो पाकिस्तान की अदलिया। आप अपने अल्फाज पे शर्मिंदा हैं क्या कर रहे हैं? खान साहब आप अपने अल्फाज पे वाकई शर्मिंदा हैं चलते रहना है। खान साहब क्या ये यू टर्न नहीं है? माशा देख जा खान साहब, क्या ये यू टर्न नहीं है? खान साहब ये बताइए कि जारहाना बयानिया जारी रहेगा या किसी मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा? 100 रुपए को लगातार दे। खान साहब फिर आपकी वो जिस दिन लॉन्ग मार्च से है वो दानिशमंदी होगा मुल्क के लिए, इस बार आप पूरी होगी? रुके नहीं, रुके नहीं, आप तो दौर में है सिंध का जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का और मुल्क प्राइम मिनिस्टर मुंह से बात जाना चाहिए उसको। खान साहब आपका लॉन्ग मार्च आपके दौर में उनसे बात जाना चाहिए। खान साहब आपका लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान?